हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ विद हैप्पीनेस में। जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है आप घर पर जो है एकदम से जो है शुद्ध हल्दी बना सकते हैं। जी दोस्तों, आजकल जो बाज़ार में जो हल्दी आती है उनमें जो है कई प्रकार की जो मिलावट की हुई होती है, यहाँ तक कि जो है दोस्तों मुनाफा और मुनाफाखोरी के लिए जो है बहुत सारे जो लोग बाग हैं जो हल्दी होती है उसमें जो है ईंट का बूरा तक भी मिला देते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारी जो भी मिलती जुलती पीले रंग की जो चीज़ें होती हैं उनकी मिलावट जो हल्दी में कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से जो है हम घर बैठे जो है एकदम से जो है शुद्ध हल्दी जो है बना सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमारे खेत पर जो ये हल्दी हुई है इस प्रकार से। आप चाहें तो जो है बाज़ार में भी जो है आपको इस प्रकार की जो है साबुत हल्दी है जो वो मिल सकती है। देखिए, हल्दी के जो गांठे होते हैं उनका रंग जो इस प्रकार से होता है, भूरा रंग, और अंदर जो है पूरा एकदम से जो है पीले रंग का इसके अंदर जो होता है पूरा हल्दी जिस प्रकार से जो होती है। हल्दी जो है दोस्तों एक तरीके से जो है औषधीय पौधा है और हमारे शरीर के लिए जो है काफ़ी गुणकारी और जो है स्वास्थ्यवर्धक है। इसके अलावा जो है किसी भी जो है सब्जी वगैरह हो, अगर आप उसमें हल्दी नहीं डालते हैं तो उसका जो स्वाद है वह जो है आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो हल्दी जो है स्वाद के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से देखिए, जो साबुत हल्दी के जो गांठियाँ हैं इनको अपने को इस प्रकार से जो है कट कर लेना है। देखिए, इस प्रकार की जो ये मशीन है हमारे पास, वन बाय वन करके जो है हमने इसमें जो है रखते जा रहे हैं और इसको जो है धीरे धीरे प्रेस करना है। तो जो ये हल्दी के जो बड़े गांठियाँ हैं ये जो है धीरे धीरे जो है इनका जो है टुकड़ों में जो है विभक्त होते जा रहे हैं। देखिए, एक जो है उसके कम से कम 4 से 5 टुकड़े हो रहे हैं। तो कुल मिला के जो है अपने को जो है बड़े जो हैं गांठे इनको जो है छोटे छोटे रूपों में जो एक तरीके से इनको करना है। आप चाहें तो चाकू के सहायता से भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कोई आपके पास कोई अपरेटस है, जिस प्रकार से हंसिया होता है हंसिया से भी आप कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके, लेकिन ये वाली जो मशीन है इसमें जो देखिए आराम से जो है आसानी से बिल्कुल कम समय में और बहुत अधिक जो है आप इस प्रकार से जो हल्दी है उसको कट कर सकते हैं। ये देखिए, जितने भी थे जो बड़े बड़े जो हल्दी के जो गांठे थे वो जो आप देखिए इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गए हैं। या दोस्तों, ये जो है हल्दी जो है हरी है, मतलब यानी कि जो है अभी जो है इसको निकाली है। तो इस प्रकार से कट करके जो आपको एक कंटेनर में इनको जो इस प्रकार से ले लेना है। देखिए, वन बाय वन करके जो है काफ़ी सारे जो है हमने, क्योंकि हमारे पास तो काफ़ी सारी निकली थी और इनका जो है वर्ष पर्यंत यूज़ करने के लिए इस प्रकार से जो है वह एक ही बार में जो इनको कट कर लिया है। और हल्दी का जो है कभी बिगड़ता नहीं है, आप एक बार करके उसको अच्छे से स्टोर कर लें। ड्राई जो आप पीसते हैं तो उसको स्टोर कर लेते हैं, तो यह जो है काफ़ी दिन तक जो है चलती रहती है और एकदम से जो है घर पर जो आप हल्दी अगर बनाते हैं तो एकदम से शुद्ध रहेगी। बाज़ार में जो मिलावटी जो हल्दी आती है उससे तो यह लाख गुना बेहतर है, क्योंकि उनमें जो है किसी प्रकार की जो है बहुत सारे जो है केमिकल्स वगैरह या जो है फालतू फालतू की चीज़ें जो है मिलावट में कर दी जाती है। अब जो है देखिए दोस्तों, जो अपन ने जो गीले जो हल्दी के जो छोटे छोटे टुकड़े किए थे उनको इस प्रकार से कम जो है 3 से 4 दिन जो है आपको इसको इस प्रकार से धूप में लगाना होगा। धूप में आप इस प्रकार से नीचे कोई कपड़ा रख के उसके ऊपर डाल के इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रंग है दोस्तों, हल्दी का रंग है, ये हल्दी जो है रंग छोड़ती है। तो आप इसी प्रकार से जो कोई पुराना कपड़ा हो तो उसके ऊपर जो इसको सुखा सकते हैं, क्योंकि एक बार जिस पर आप सुखाएंगे तो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो है एक चारपाई ली है, चारपाई के ऊपर जो है इसको सुखा दिया है और 5 से 7 दिन आपको इसको सुखाना पड़ता है ताकि अच्छे तरीके से धूप लग जाए और धूप से जो है ये बिल्कुल से जो है ड्राई हो जाएंगे, यानी कि जो इनमें जो गीलापन है वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और देखिए, बिल्कुल हल्दी का जो रंग है इस पर जो है दिख रहा है बिल्कुल, जैसा कि मैं बता रहा था दोस्तों कि शरीर के लिए जो है हल्दी जो है काफ़ी लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक है। यह जो है कई सारी बीमारियों में जो है हमारी मदद करती है बचाव में, और इसके अलावा जो इससे जो है ब्लड प्रेशर वह भी जो आपका कंट्रोल रहता है। और सबसे जो इसका महत्वपूर्ण गुण है वह जो है आपकी त्वचा के लिए, अगर आप जो है हल्दी
सही से और उपयुक्त मात्रा में खाते रहते हैं तो आपकी जो त्वचा है उसका ग्लो है जो हमेशा बना रहता है। और इसके अलावा भी है हल्दी के जो है कई सारे प्रयोग हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसी भी खाने में जो है अगर आप हल्दी नहीं डालते हैं तो कलर वाइज भी और स्वाद वाइज भी वह जो आपको पसंद नहीं आएगा। देखिए 5-7 दिन बाद जो है इसकी इस प्रकार से सूख के जो है छोटे छोटे हो गए बिल्कुल, और इनका कलर भी है अब जो है थोड़ा भूरे रंग का हो गया, यानी कि पीलापन जो पहले ज़्यादा दिख रहा था वह जो है अभी न के बराबर हो गया है। देखिए इस प्रकार से हमने जो इसको 5-7 दिन जो है अच्छी धूप में इसको सुखाए रखा, तो उसके बाद जो है इनका इस प्रकार से और जो है कट जो थे जो अपने टुकड़े किए थे वो भी जो है पहले काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब जो है काफ़ी जो है छोटे छोटे ये दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो है धूप की वजह से उनका जो गीलापन है वह जो है हट गया है, यानी कि जो वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। ये देखिए पास से देखने पर आप देखिए बिल्कुल जो है जो पहले जो भूरे रंग के और अंदर जो पीलापन अधिक दिख रहा था सूखने के बाद जो है पूरे सिकुड़ गए हैं और यह इस प्रकार के हो गए हैं। अब जो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको कि हल्दी जो है बिल्कुल इस प्रकार से सूख चुकी है, एक बार अच्छे से देख लें कि ये कड़क हो गई या नहीं हुई है, पीसने लायक है कि नहीं है, क्योंकि अगर हल्का भी गीलापन है तो फिर आपको जो है मिक्सी वगैरह या किसी में भी आप जब पीसते हैं तो आपको जो है दिक्कत हो सकती है, या उसमें जो है सही से जो है और गीलापन रहने से जो है बाद में जो है हल्दी में जो है जिस प्रकार से लटे वगैरह जो पड़ जाती है उनका भी डर रहता है। तो आप अगर 5-7 दिन में अच्छी धूप नहीं पड़ी है नहीं सूखे हैं तो और भी ज़्यादा दिन इसको रख सकते हैं, ताकि ये जो है कड़क इनमें जो एक तरीके से सूखापन आ जाए। और फिर जो आप देखिए मिक्सी या ग्राइंडर या अगर आपके घर पर कोई छोटी मिनी चक्की है तो उसमें भी आप जो है इस प्रकार से इसको पीस सकते हैं। और देखिए दोस्तों एकदम से शानदार हल्दी घर पर बनी हुई शुद्ध एकदम, कोई मिलावट नहीं है इसमें, और आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप जो है तन मन और सबसे जो है स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, और किसी प्रकार के जो केमिकल वगैरह जो है मिक्सअप आते हैं बाज़ार में हम जो हल्दी लेके आते हैं उससे भी आप दूर रहेंगे, और इसमें मेहनत भी आपकी जो है नाम मात्र है। और अगर आप ओवरऑल जो कॉस्ट भी गिनेंगे तो यह जो हल्दी है यह जो है जो आप बाज़ार से जो हल्दी लाते हैं उससे जो है उससे सस्ती रहेगी, और सबसे बड़ी बात है कि यह जो एकदम शुद्ध रहेगी तो आपके लिए शरीर के लिए एकदम लाभकारी और गुणकारी रहेगी, जिससे जो आपके शरीर जो है बीमारियों से बचा रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने पूरा देखा कि किस प्रकार से जो है हम घर बैठे हल्दी बना सकते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।